नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुग्रह ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। गतसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि गतसिंहपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा जनता को बार बार घरों पर रहने की अपील एवं वाहनों को अपने घरों से बाहर न निकालने की अपील लगातार जारी। थाना प्रभारी समरवीर सिंह के नेतृत्व में आज गतसिंहपुर के मुख्य बाजार, धान मंडी, बस अड्डा, श्रीकरणपुर, पदमपुर एवं रायसेनगर मार्ग पर खुली दुकानों का पैदल चलकर सघन निरीक्षण किया। पैदल गश्त के दौरान कई दुकानदारों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने पर लगाई फटकार। सब्जी की रेड़ी एवं दुकानदार संचालकों को भीड़ न करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। बाजार में बिना वजह घूम रहे लोगों को घर पर रहने के लिए किया पाबंद। बेवजह लेकर वाहन लेकर घूमने वालों के खिलाफ काटे चालान। थानाधिकारी समरवीर सिंह के सख्त आदेश, बिना वजह बाजार में न घूमे, वहीं अपने वाहनों को घर से बाहर न निकाले। दुकानदारों से की अपील, घर से पैदल ही अपनी दुकानों पर आए। थाना प्रभारी ने सभी दुकानदारों को लॉकडाउन की पालना करने के लिए किया पाबंद। इसी के साथ नगरपालिका के द्वारा सब्जी मंडी एवं किराना मार्केट का किया निरीक्षण। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी गोपाल कृष्ण शर्मा के दिशा निर्देश में टीम गठित कर बाजार का सघन निरीक्षण कर दुकानदारों को दिए निर्देश। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने और लॉकडाउन की पालना करने के लिए दिए निर्देश। अधिशासी अधिकारी गोपाल कृष्ण शर्मा ने रेहड़ी संचालकों को धान मंडी में नंबर अंकित कर कल से सब्जी विक्रेताओं को वहां पर सब्जी बेचने के लिए दिए निर्देश। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।